भाभी माँ, विभूति भैया ने आपको मैसेज दिया है। कहाँ मैसेज किया है? वो लिखे है कि आप क्या कर रही है। हदिया, हम उनसे चैट कर रहे हैं ना, तो लिखो कि बात कर रहे हैं। आया, भाभी जी का मैसेज आया। कमाल है, भाभी जी बड़ा फास्ट फास्ट जवाब दे रही हैं। क्या लिखा है? काम कर रहे हैं और आपकी तरह नल्ले तो नहीं घूम रहे हैं। कमाल है यार भाभी जी, ये बड़े अजीब से जवाब दे रही हैं। एनीवे भाभी माँ, विभूति भैया ने लिखा है कि आप बहुत अच्छी चैटिंग कर रहे हैं। हाय दया, उनको लिखो थैंक यू। अभी लिखते हैं भाभी माँ। कभी हमारे घर पर आके पकाते हो, अब चैटिंग करके पका रहे हो। भाभी जी, वो क्या हो गया यार? क्यों इतनी कड़वी बातें कर रही हैं? एकदम लड्डू की भैया की तरह। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। लौंडो, पका रहे हो सक्सेना जी को? नाना तिवारी भैया, सक्सेना जी ना विज्ञापन को ऐड लिख रहे हैं। विज्ञापन और ऐड एक ही चीज होती है गधों। सक्सेना जी, आप भी ऐड बनाते हैं? जी भैया। हमें तो लगा शायद आप सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। आई लाइक इट। वैसे भैया, कानपुर के लोकल चैनल जितने हैं ना, उनमें जितने भी ऐड आते हैं, आधे से ज्यादा मैंने लिखे होते हैं। अरे वाह, तब तो आप बहुत काम की चीज है। सक्सेना जी, आप हमें मॉडल बनने के टिप भी देंगे? मॉडल बनने के टिप? हा? क्यों भैया, आपका कच्चे बनियान का खोखा तो बहुत अच्छा चल रहा है ना। अरे वो तो ठीक है, लेकिन जो अनीता भाभी है ना, वो एक एड बना रही है और हमें अपने साथ मेन मॉडल ले रही है। तो जरा टिप विप दीजिए ना। हाँ भैया, अनीता भाभी ऐड बना रही है। अच्छा, पता नहीं था मैं। देखिए भैया, टिप इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए जो मैंने एक अच्छा नमूना बनने के लिए सबसे क्या, नमूना बनने के लिए क्या मतलब, हम आपको नमूने लगते हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं भैया, नमूना का नमूना वो मतलब यानी मॉडल को हिंदी में नमूना कहते हैं। अच्छा जी, तो अच्छा एक नमूना यानी मॉडल बनने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को एकदम फिट करें। बॉडी फिटनेस, उसके लिए टाइम नहीं है, आगे बढ़िए नेक्स्ट। तो फिर आप एक काम करें, आप कैटवॉक सीखिए। सिखाइए क्या होता है वो। मोए आते कैटवॉक करके दिखाऊं? दिखा। हाँ लो, लग जा। पहले यूं सीधो खड़ा होना है, सही, और घूर घूर के देखना है सबको, फिर ऐसे बैठ जाना है और फिर चल लूंगा मैं ऐसे। वेरी गुड, आई लाइक इट। भैया इन मस्खरों को छोड़िए आप। देखिए, ये बॉडी का जो जेस्टर पोस्चर है ना, उसको बहुत ज्यादा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। आपके करियर का सवाल है भैया, ये स्टाइल में स्टाइल में टर्न पक्का बात है। अच्छा आगे ये है ना बॉडी का जेस्टर पोस्चर भी। आइए ट्राई कीजिए, समझ गया ना? हाँ। थोड़ा थोड़ा सा सीधा रखिएगा, पेट थोड़ा सा चले। भैया जी, बिल्कुल असली वाले लग रहे हो। थोड़ा सांस खींच लो, पेट अंदर को ले लो। Good. हमको आपसे चैट नहीं करनी है, आप कंबल में घी पीने वाली पार्टी है। आप नल्ले हैं, हमारे लड्डू के भैया शरीफ हैं। तिवारी जी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, गेम्स खेल रहे हैं ना आप मेरे साथ।
भाभी जी, आपको जो ये लड्डू के भैया के ऊपर अंधविश्वास है ना, अगर मैंने उस अंधविश्वास को तार तार ना कर दिया तो मेरा नाम भी विभूति नारायण मिश्रा नहीं। भाभी माँ, आपको किसी अंग्रेज लड़की एंजेलिना ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। हतिया का बात कर रहा है अंग्रेज लड़की। हाँ भाभी माँ, भाभी माँ हम एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ हाँ कर लो लड्डू, कहा है ना अंग्रेज फ्रेंड होगी तो हमारी अंग्रेजी और अच्छी होगी, है ना। ये लीजिए भाभी माँ। भाभी माँ, उसने तो आपको मैसेज भी भेज दिया। कहाँ मैसेज भेजा है? भाभी माँ, वो आपको हाय ग्रेप्सी बुला रही है। हतिया, ग्रेप्सी कहाँ होता है? भाभी माँ, वो अंग्रेज में आपका नाम होता है। नहीं नहीं, उसको लिखो के अंगूरी ही ठीक है बा। ये लीजिए भाभी माँ। भाभी माँ, वो आपको पूछ रही है कि मेरा मोनू डार्लिंग कैसा है। हतिया, ये मोनू डार्लिंग कौन है? ये मोनू डार्लिंग कौन है? भाभी माँ, वो तो भैया को मोनू डार्लिंग बुला रही है। का? उसकी इतनी हिम्मत कि वो लड्डू के भैया को मोनू डार्लिंग बुलाए? हाँ भाभी माँ, वो कह रही है कि मोनू मेरा बॉयफ्रेंड है और उसके साथ मेरा चक्कर चल रहा है। हतिया, और वो कह रही है कि उससे मिलने में कानपुर आई हूँ। हतिया नहीं। भाभी माँ, वो कह रही है कि मोनू मुझसे मिलने वाला है और उसको मैं अपने साथ हॉलीवुड ले जाऊंगी। नहीं भाभी माँ, आप टेंशन मत लो, मुझे पक्का यकीन है कि आपके साथ कोई मजाक कर रहा है। मजाक? हाँ मजाक ही तो कर रहे हैं, नहीं तो आज तक मैंने किसी लड़की को आपके अलावा भैया से इम्प्रेस होते हुए नहीं देखा। अरे साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लन। अंगूरी, अंगूरी आ रहे हैं, आ रहे हैं। तुम्हारी घूरन क्रिया समाप्त हो गई हो तो जरा बताओ कि हम कैसे लग रहे हैं। हाय दया, कहीं लड्डू के भैया ये भेष उस अंग्रेजन के लिए तो नहीं बनाए हैं? क्या हम कुछ पूछ रहे हैं पगली? क्या पूछ रहे हैं? हमने पूछा कि हम कैसे लग रहे हैं? इस सर पे घोंसला काहे रखे हैं? अरे तुम भी ना एकदम भोली हो। अरे ये स्टाइल है पगली। ये का स्टाइल है? हाँ, ये लड्डू की पैंट काहे पहने हैं? ये सरप्राइज हम तुम्हें बाद में देंगे, अभी कुछ नहीं बताएंगे। कौन सा सरप्राइज? बस ये समझ लो कि बहुत जल्द हम हॉलीवुड जाने वाले हैं। हाय दया, अंजलिना भी बोल रही थी कि वो लड्डू के भैया को हॉलीवुड ले जाएगी। क्या हुआ? काहे काहे हॉलीवुड में जाना चाहते हैं? अरे वो हॉलीवुड होता है पगली। सही पकड़े हैं। अब जब जाएंगे तब बताएंगे। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।